नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की विशेष खबर पर। नाभा जेल से फरार 6 कैदियों में से एक आतंकवादी गिरफ्तार। पंजाब और दिल्ली पुलिस ने एक संयुक्त अभियान चलाकर कुख्यात खलिस्तान आतंकवादी हरमिंदर सिंह मिंटू को सोमवार को दिल्ली के एक रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। मिंटू रविवार सुबह नाभा जेल पर हथियारबंद हमलावरों द्वारा किए गए हमले में 5 कैदियों समेत फरार हो गया था। बताया जाता है कि हरमिंदर पाक खुफिया एजेंसी ISI से ट्रेनिंग ले चुका है और यहीं से उसे आर्थिक मदद भी मिलती है। इससे पहले पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दिन दहाड़े जेल तोड़कर भागने की इस वारदात के कथित मास्टरमाइंड परमिंदर सिंह को उत्तर प्रदेश के शामली जिले के गैराना से गिरफ्तार कर लिया। उसे तब गिरफ्तार किया गया जब एक पुलिस पिकेट पर टोयोटा फॉर्चून नाम की गाड़ी को रोका गया। जेल से फरार अन्य 4 की तलाश जारी है, जिसमें से एक विकी गोंडर एक कुख्यात गैंगस्टर है जो मुक्त सरकार रहने वाला है। उसने कपूरथला में हाईवे पर पुलिस कस्टडी में एक दूसरे गैंगस्टर सुखा कालवा की सरेआम हत्या कर दी थी। सुरक्षा कर्मियों में से कुछ खास प्रतिरोध का सामना किए बगैर ही 6 कैदियों के भागने की बात सामने आने के बाद पंजाब सरकार ने 2 वरिष्ठ जेल अधिकारियों, अधीक्षक एवं उप अधीक्षक को बर्खास्त कर दिया। पंजाब सरकार ने इस घटना की जांच के लिए SIT भी बनाया है। सरकार ने अतिरिक्त मुख्य सचिव जगपाल सिंह संधु की अध्यक्षता में एक अलग जांच समिति बनाई है, जो सुरक्षा में हुई चूक के पहलू पर छानबीन करेगी। गौरतलब है कि पुलिस की वर्दी में आए 5 सशस्त्र बदमाशों के एक समूह ने नाभा जेल पर हमला किया और वे खलिस्तान लिबरेशन फ्रंट के सरगना हरमिंदर सिंह मिंटू और कश्मीरी सिंह सहित 6 कैदियों को छुड़ाकर ले गए। जेल से फरार होने वालों में एक गैंगस्टर और 2 आतंकवादी शामिल है। फरार होने वाले दूसरे बदमाशों के नाम विंकी गोंटर, गुरप्रीत सेखो विक्रमजीत, नीता देओल है। बदमाशों ने इस पूरी घटना को बेहद फिल्मी तरीके से अंजाम दिया था। हमलावरों ने पूरी साजिश रच रखी थी। 4 हमलावर पुलिस की वर्दी में थे और एक को हथकड़ी लगा रखी थी ताकि किसी को शक न हो। और आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नोटबंदी के विरोध में आज विपक्ष का प्रदर्शन, कुछ जगहों पर भारत बंद। नेपाल सहित समूचे उत्तर भारत में महसूस किए गए भूकंप के झटके। राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, महाराजा के समय का जम्मू कश्मीर हमारा एजेंडा। मोहन भागवत ने कहा कि संघ की सोच ही भविष्य में भारत की दृष्टि है। नोटबंदी पर समर्थन के लिए अमित शाह ने की नीतीश कुमार की प्रशंसा।